इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। मकसद बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए राहुल गांधी 2500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस सफर के दौरान कई तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है। कभी राहुल किसी के गले लगे तो कभी स्टार्स के साथ दिखे। ऐसी ही नई तस्वीर राजस्थान के कोटा से आई है। कोटा में राहुल गांधी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंगे दिखे। कोटा के मोरू कला में भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम था और इस रात्रि विश्राम के दौरान फुटबॉल मैच देखने का भी इंतजाम था। बाकायदा बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जमीन पर बैठकर मोरक्को और स्पेन के बीच चल रहे फुटबॉल मैच का आनंद लिया। आज जब मतगणना हुई और एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो साफ हो गया कि कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल की भविष्यवाणी करीब करीब सही थी और कांग्रेस नेताओं को भी जैसे ये अंदेशा पहले से ही था। कांग्रेस दफ्तर का ये सन्नाटा एमसीडी चुनाव के नतीजों में भी दिखा। 15 साल दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस 250 सीटों वाली एमसीडी में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस को महज 11% वोट मिले। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व में ऐसी राजनीतिक बेफिक्री क्यों है? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब राहुल गांधी जैसे नेता पार्टी को मजबूत करने की बात तो करते हैं लेकिन गुजरात चुनाव में महज एक दिन प्रचार करने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी प्रचार करने ही नहीं गए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कहीं मजबूती से लड़ते हुई नहीं दिखी। इसलिए दिल्ली से गुजरात तक ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनावी राजनीति को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व इतना उदासीन क्यों है? आखिर कांग्रेस में वो जीतने की जिद क्यों नहीं दिखती जो बीजेपी में है? अपने उदासीन राजनीतिक रवैये के कारण कांग्रेस आज अपने दम पर महज देश के दो राज्यों में सत्ता में है, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली जैसे राज्यों से जैसे कांग्रेस गायब हो चुकी है। लेकिन जिनसे कांग्रेस को उम्मीद है वो भारत जोड़ने निकले हैं। अब सवाल यह है कि अगर पार्टी ही कमजोर होगी, संगठन ही नहीं होगा तो भला राहुल कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे और देश को कैसे जोड़ेंगे?